में अकारण ही भय क्यों होता है? भाई तुम बहुत ज्यादा एनालिसिस मत करो, हर चीज की कई बार ओवर एनालिसिस आपको दुखी कर देती है। 2400 घंटे मुझे ये क्यों हो रहा है, मुझे कैसा अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा, अरे ये सब पे इतना ध्यान मत दो भाई। प्रोफेशनल वे में मैं बात करूं, आप 8 घंटा जॉब पर जाते हो मान लो, तो आप शाम को बॉस के पास रिपोर्ट देने जाओगे, आप ये कहोगे बॉस को मैं सुबह 1 घंटा अच्छा फील नहीं कर रही थी, फिर मेरा मूड बना फिर नहीं बना, सर इसलिए काम नहीं हुआ, तो बॉस क्या बोलेगा, फाड़ में जाए तुम्हारा मूड, मैंने तुमको 8 घंटा दिया ये काम के लिए, तुमने क्या किया मुझे रिपोर्ट कर। He doesn't care about your feelings and mood. Correct? Same way, एक सच्चाई बता रहा, ऊपर वाला, यदि आप मानते हो कि स्वर्ग जैसी कोई चीज ऊपर है ना, यदि मानते हो तो वहां जब शरीर छोड़ के जाओगे तो यही पूछा जाएगा, मैंने 70-80-100 साल आपको नीचे भेजा, आपने क्या किया, आपने कैसा फील किया, कितना भय हुआ, कितना आनंद हुआ, ये नहीं पूछा जाएगा, मैंने 70-80-100 साल नीचे भेजा, आपने क्या किया मुझे बताओ, रिपोर्ट दो। हाउ मच नॉलेज हैव यू गेन्ड एंड हाउ मच लव यू हैव गिवन, ये दो प्रश्न पूछे जाए, कितना प्रेम लोगों को दिया और कितना ज्ञान अर्जित किया, तुम्हारा मूड था नहीं था, ही डजंट केयर अबाउट योर फीलिंग, मुझे अकारण भय क्यों होता है। कभी कभी मनुष्य है, भय आता है, नहीं आना चाहिए, तुम ये भी ये काल्पनिक स्थिति मत इमेजिन करो, समझ रहे हो मेरी बात को, यार मनुष्य है, कभी भय आता है, ठीक है तो उसके साथ डील करना सीखे। मैंने उस दिन बताया ना, हर चक्र में एक ही ऊर्जा 3 रूप में प्रकट होती है, कभी भय के रूप में, कभी घृणा के रूप में, कभी प्रेम के रूप में। आप कंसिस्टेंट मेडिटेशन करते रहोगे तो वही ऊर्जा फ्लिप होके प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा पेशेंटली आगे बढ़िए।